तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के तहसील कार्यालय के पास लेखपाल कार्यालय में। यहाँ मौजूद हैं उत्तराखंड लेखपाल संघ के चुनाव के प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार ताराचंद घड़ियाल जी यहाँ आए हुए हैं और इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आयोजित की है, उनसे वार्ता करते हैं। सर, आज आपका जसपुर आगमन हुआ है और चुनाव बहुत नज़दीक आए हैं, किस तरह तैयारी चल रही है और जसपुर को किस तरह जोड़ा जाए? सभी को हमारा नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड लेखपाल संघ का पंचम अधिवेशन जो कि 2 और 3 दिसंबर को राजधानी देहरादून में प्रस्तावित है, तो मैं ताराचंद घिल्डियाल वर्तमान में जिला अध्यक्ष जनपद नैनीताल से हूं और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष का अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में हम तमाम तहसीलों का भ्रमण कर रहे हैं। उसी क्रम में आज मैं जसपुर तहसील में अपने लेखपाल साथियों से मुखातिब हूँ। इसी क्रम में मैं ये बताना चाहूँगा कि कल हमने रामनगर में आगामी चुनाव को लेकर अपना एक दून मैनिफेस्टो 2022 घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें हमने 7 गारंटी के साथ हम अपने लेखपाल साथियों के बीच हैं, जिसमें पहली गारंटी है कि हमारे लेखपाल साथी जिनका कार्यकाल नियमित रूप से 5 वर्ष का हो चुका है, उन्हें नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती में 10% का आरक्षण मिले ताकि समय समय पर उन्हें प्रोत्साहन मिले। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि लेखपाल हमारे 20-20 सालों में पदोन्नति पाते हैं, उससे कहीं ना कहीं उनकी कार्य क्षमता पर भी दबाव पड़ता है। दूसरी गारंटी के रूप में जो है वह है कि प्रत्येक लेखपाल को एक अधीनस्थ लिपिक प्रदान हो। अधीनस्थ लिपिक के प्रदान होने से, नियुक्ति होने से न केवल बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, वहीं बढ़ती हुई जनसंख्या के मद्देनजर जो एक लेखपाल को भी बहुत से कामों से जूझना पड़ रहा है, उसके जो भौमिक अधिकारों के काम है, उसके खसरा खदुनी संबंधी जो कार्य हैं, इसके अलावा जो दैवीय आपदा है, निर्वाचन है, जनगणना है, कृषि गणना है, तमाम कामों को वह करता है, लेकिन उसके पास संसाधन का अभाव है। उसके पास कोई लिपिक यदि होगा तो कार्य समय से होंगे और जनता के भी जो कार्य, जो जनता की जो समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, आए दिन जनता की जो दरख्वास्त होती है तहसील प्रशासन से कि समय पर काम नहीं हो रहे हैं, चाहे वो प्रमाण पत्रों का निस्तारण हो, दाखिल खारिज के मामले हों, यदि प्रत्येक लेखपाल के पास एक लिपिक अधीनस्थ के रूप में होगा तो कार्य जो है कार्य क्षमता बढ़ेगी और जो सुशासन की उत्तराखंड की मंशा है वह भी साकार होते हुए नजर आएगी। तीसरी गारंटी वह सेवा का अधिकार। सेवा के अधिकार में हम देख रहे हैं कि जब से पूरे प्रदेश में ई गवर्नेंस की बात हो रही है, जब से पूरे प्रदेश में ऑनलाइन प्रमाण पत्रों के निस्तारण की बात हो रही है, तब से हम देख रहे हैं कि आवेदक लगातार जो अपलोड कर रहे हैं अपने कागज, जो कागजात अपलोड किए जा रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी हो रहा, फूट रचित, उसमें धोखाधड़ी की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। हम कहते हैं कि यदि हम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं तो हम तत्काल प्रमाण पत्रों पर कोई भी कार्य नहीं करेंगे जब तक हमारा लेखपाल इसमें संरक्षित ना हो, ये हमारी गारंटी है, तीसरी गारंटी है। और चौथी गारंटी के रूप में है हमारे लेखपाल क्षेत्रों का पुनर्गठन। जैसा कि विदित है, उत्तराखंड बनने के बाद तमाम तहसीलों की तो स्थापना हमने कर दी है, लेकिन उन तहसीलों में जो लेखपाल क्षेत्र हैं उनका पुनर्गठन अर्थात लेखपाल क्षेत्रों में इजाफा नहीं हो पाया। वर्तमान में उत्तराखंड प्रदेश में 428 लेखपालों का कैडर है, लेकिन कार्य क्षमता और जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या घनत्व को देखते हुए ये लेखपालों की संख्या कम है और अत्यधिक दबाव लेखपालों पर है। तो हम चाहते हैं कि लेखपालों की संख्या कम से कम 1000 हो ताकि 500 से अधिक जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार भी मिल सके और जनता का काम जो है आसानी से हो सके और ई गवर्नेंस और हमारी जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संपादित हो सके। और जो हमारी पांचवी गारंटी के रूप में हम आप सबके बीच हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लेखपाल प्रशासन की मुख्य इकाई है, मुख्य रीढ़ है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने किसी भी प्रकार की जो अवकाश है, अन्य कार्यालयों में हमारे कर्मचारियों को जो एक अवकाश मिलता है उस अवकाश से भी हमें महरूम रखा है। तो हमारी दरख्वास्त है यदि हम अध्यक्ष पद पर चुने जाते हैं तो हम
प्रत्येक लेखपाल को रोटेशन वाइज, हम कह रहे हैं रोटेशन वाइज में हमें साप्ताहिक छुट्टी दीजिए, किसी को सोमवार को छुट्टी दीजिए, किसी को मंगलवार को छुट्टी दीजिए, क्योंकि 24/7 हमारा लेखपाल काम करता है। तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद जो उत्पीड़न की कार्रवाई हमारे उच्च अधिकारियों के साथ होती है, उसमें कम से कम उसका मानसिक उत्पीड़न ना हो, अपने परिवार के साथ कम से कम एक दिन व्यतीत करने का उसे मौका मिले, इसलिए साप्ताहिक अवकाश की आवश्यकता प्रबल है और इसे हम लागू करवाएंगे। हमारी छठी गारंटी है वीआईपी ड्यूटी। वीआईपी ड्यूटी के नाम पर उत्पीड़न हमारे लेखपाल साथियों का होता है, न केवल लेखपाल बल्कि वीआईपी ड्यूटी के नाम पर लेखपाल तहसीलदारों पर भी जो आर्थिक बोझ जिला प्रशासन के द्वारा डाला जाता है समय समय पर, हमारे इस समय में इसमें इस के मामले में हमारा मानना है, जिस प्रकार चीफ सेक्रेटरी महोदय के द्वारा घोषणा की गई कि एसडीएम्स को हम वीआईपी ड्यूटी से पृथक रखेंगे, तो हमारा उनसे निवेदन है, हमारा शिष्टमंडल जल्दी ही देहरादून में उनसे मिलेगा और हम इस बात को लागू करवाएंगे कि ना केवल एसडीएम्स बल्कि हमारे पटवारी कानून को और तहसीलदार भी वीआईपी ड्यूटी से मुक्त रहें, इसके लिए एक अलग प्रोटोकॉल विभाग हो और अग्रिम रूप से इसमें बजट की व्यवस्था हो, जिस प्रकार बजट की व्यवस्था अन्य मदों में होती है। अब आपदा मद में होता है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का पैसा मानसून सत्र से पहले आता है, तो वीआईपी कोटे का भी पैसा अग्रिम रूप से हमारी तहसीलों पर कुछ प्रोटोकॉल विभाग जो बनेगा उसके जिम्मे आना चाहिए, ताकि जो हमारे पटवारी साथी हैं, हमारे तहसीलदार से हैं, उन पे जो है अनैतिक रूप से आर्थिक बोझ जो पड़ रहा है उसको भी हमें दूर करना चाहते हैं। सुशासन की नीति, यदि ई गवर्नेंस की बात करती है हमारी उत्तराखंड सरकार अगर पारदर्शी रूप से सरकार चलाना चाहती है तो इन बिंदुओं पर विचार करना होगा। ये हमारी छठी गारंटी है। सातवीं गारंटी की हमने बात करी है कि इन मांगों के संदर्भ में यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम 3 तारीख को चुनाव जीतने के बाद उसी दिन अपनी पहली प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में हम जल्द ही उसी दिन ही हम निर्णय लेंगे कि इन मांगों के संदर्भ में यदि समय से शासनादेश जारी नहीं होता है, एक अल्टीमेटम सरकार को दिया जाएगा, उसमें कार्य बहिष्कार या आने वाले समय में कलमबंद हड़ताल जैसे कदम हमें उठाने होंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के लेखपाल साथियों से निवेदन करता हूं कि मैं इन सारी गारंटियों को पूरा करने का वादा करता हूं, आप हमें एक मौका दीजिए और हम इस मौके को निश्चित रूप से शासनादेश में तब्दील कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार। तो देखिए, अभी मैं वार्ता कर रहा था लोग उत्तराखंड लोक लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष के पद के प्रत्याशी ताराचंद गिल्डियाल जी से, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र को यहाँ सार्वजनिक किया और उसमें जो उत्तराखंड के लेखपालों की समस्याएं हैं उनको उजागर किया। थैंक यू, शुक्रिया। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।